दोस्तों आज ये वीडियो कुछ विशेष आयोजन के तहत बना रहे हैं हम इंजीनियर प्लस वाटर प्रूफिंग हीट प्रूफिंग सॉल्यूशंस। एक बहुत लंबी प्रोडक्ट श्रृंखला है और इस प्रोडक्ट श्रृंखला को समझने के लिए कुछ फिजिकल सैंपल्स कंपनी द्वारा निर्मित किए गए हैं और इन प्रोडक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे ये प्रोडक्ट फंक्शन करते हैं, ये सब चीजें हम एक फिजिकल सैंपल के थ्रू बताना चाह रहे हैं। तो एक किट डेवलप की हमने और इस किट के अंदर हमने जो हमारा क्रैक फिल पेस्ट है, जो कि दीवार में दरारें जो होती है, छतों में जो दरारें होती है, 3 mm तक की जो भी दरारें होती है, उनको रिपेयर करने के लिए हमने एक ये फिजिकल सैंपल बनाया है। इसमें हम समझा रहे हैं कि कैसे क्रैक फिल पेस्ट काम करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक यहाँ पे गैप डेवलप है, इसके अंदर हमने प्रोडक्ट को फिल किया हुआ है और ये प्रोडक्ट किस प्रकार से फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। इसी प्रकार इस प्रोडक्ट को यदि किसी भी दीवार या छत के क्रैक में भर दिया जाएगा तो एक बार भरने के बाद वापस रीओपन नहीं होगा। तो ये क्रैक फिल पेस्ट का हमने एक डेमो दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सेकेंडली, जब हम वाटर प्रूफिंग करते हैं तो किसी भी छत की वाटर प्रूफिंग के पहले छत की साफ सफाई होती है और साफ सफाई होने के बाद अच्छे से उसको क्लीन कर दिया जाता है। उसके बाद हम जो सबसे पहला प्रोडक्ट लगाते हैं वो है एक्वासिल 99। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और इसका डेमो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि प्रोडक्ट किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, ये एक ईंट का टुकड़ा है जो ब्रिक होती है, जो निर्माण में यूज होती है, उस ब्रिक में से का एक हमने कटर से, ग्राइंडर से इसको काट के हमने एक ये टुकड़ा निकाल लिया है। और ये जो ब्रिक आप देख रहे हैं, जो कि एकदम से 100% ट्रांसपेरेंट केमिकल इसके ऊपर स्प्रे किया गया है, एक्वासिल 99। तो इसमें आधे हिस्से में एक्वासिल 99 लगा हुआ है और आधे हिस्से में केमिकल नहीं लगा हुआ है। अब चूंकि ये जो लेयर है ट्रांसपेरेंट है तो हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किस प्रकार, किस हिस्से में लगा हुआ है। तो हम इस पर पानी डाल के देखेंगे कि किस हिस्से पर ट्रीटमेंट किया गया है। राजकुमार जी, आप थोड़ा सा इसको पास में लाइए ब्रिक के और दिखाइए कि किस प्रकार से इसके ऊपर ट्रीटमेंट होने के बाद क्या रिजल्ट आए हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि एक ब्रिक के ऊपर जैसे हमने पानी डाला तो पानी इसको, ब्रिक इसको पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। अब देखते हैं इस हिस्से में क्या स्थिति बनती है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब तक हम इस पे पानी डालेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा किस हिस्से में ट्रीटमेंट हुआ है। लेकिन अब चूंकि पानी डालने के बाद ये एकदम से स्पष्ट है कि ये हिस्सा आपका, जो ये हिस्सा है ये वाटरप्रूफ है और ये हिस्सा नॉन ट्रीटेड है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो हमारा जो 7-layer कोटिंग है इंजीनियर प्लस का, उसका ये जो सबसे पहला कोट लगता है एक्वासिल और एक्वा प्राइम सॉल्यूशन का, वो इस प्रकार से फंक्शनिंग करता है। तो ये ब्रिक के टुकड़े से आप समझ ही गए होंगे कि कितने अद्भुत और चमत्कारिक परिणाम इस प्रोडक्ट के लगाने के बाद वाटरप्रूफिंग के आते हैं। इसी के साथ जो हम बाद में इंजीनियर प्लस 7-layer कोटिंग करते हैं, उसमें जो प्राइमर कोट लगने के बाद जो हम लोग सेकंड कोट लगाते हैं वो होता है फाइबर मेश का। तो फाइबर मेश के लिए भी हमने जो फाइबर मेश यूज होती है उसका भी एक टुकड़ा काट के हमने इसमें रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये फाइबर मेश होती है और इसको छत के ऊपर प्राइमर कोट के बाद बिछाया जाता है। ये 45 GSM की होती है और इसके लगाने से छत में रीइन्फोर्समेंट और छत की मजबूती बढ़ती है। साथ ही साथ जो वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट किया जाता है उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी ये नेट काफी हद तक बढ़ा देती है और ड्रास्टिकल रिजल्ट आते हैं इसके लगाने से, लॉन्गर लास्टिंग वाटरप्रूफिंग हो जाती है। और इसके ऊपर जो वेग 99 और ICS 99 की हम कोटिंग करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोट जो हम लगाते हैं वेग 99 और ICS 99 का, उसके अंदर जो फिल्म डेवलप होती है, उसके अंदर जो फिल्म डेवलप होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। आप देख पा रहे हैं ये एक रबराइज फिल्म बनती है और ये जो रबराइज फिल्म होती है बहुत हार्ड होती है, जो कि गर्मी के दिनों में जब कंस्ट्रक्शन एक्सपांड होता है और ठंड के दिनों में जब कंस्ट्रक्शन
वापस से कॉन्ट्रेक्शन होता है जो ठंड में, मतलब फैलना सिकुड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको पूरा बियर कर लेता है ये, इस प्रकार की एक फिल्म डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वेक 99 और आईसीएस, और ये किस प्रकार से फंक्शन करता है ये मैंने आपको बताया। साथ ही हमने इसको डेमो के लिए एक और चीज का हमने निर्माण किया है, टोकरी। इस टोकरी को देखिए, बांस की टोकरी है, इसके अंदर भी हमने वेक 99 और आईसीएस की कोटिंग की हुई है। अब इसमें भी हम पानी भर के देखेंगे कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बांस की टोकरी है और हमने इसको वाटरप्रूफ कर दिया है, और इसमें से भी पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार जब वेक आईसीएस एक्वासिल 99 फाइबर मैच की कोटिंग छत के ऊपर हो जाती है, तो छत के ऊपर अगर पानी भरा भी रहता है तो वो पानी को अंदर नहीं घुसने देता है, पानी वेपोराइज होके वाष्पीकृत हो जाता है लेकिन छत में अंदर घुस नहीं पाता है। तो ये फंक्शनिंग है इन प्रोडक्ट्स का। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट है हमारा इंजीनियर प्लस पीएसएस 99। इसमें आप ये देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा पास में, ये एक प्रोडक्ट हमने इसमें लगाया है, ये पेस्ट जैसा प्रोडक्ट है। ये बड़े प्रकार जो बड़े क्रैक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो दो निर्माण है, दो घर का निर्माण हो या दो बिल्डिंगों का निर्माण हो, उनके बीच में जो आप देखते हैं कई बार कॉमन वॉल जॉइंट्स के जो क्रैक्स आ जाते हैं, वो बड़ी गैप डेवलप हो जाती है, और वो कितना भी उनको किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट से वाटरप्रूफ करो वो ठीक नहीं होते हैं। तो उस प्रकार के क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए, साथ ही कुछ ऐसे निर्माण होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2000 स्क्वायर फीट का टेरेस है, उसमें 1000 स्क्वायर फीट का टेरेस आपने 10 साल पहले डाला था और फिर 1000 स्क्वायर फीट का एक्सपेंशन उसमें आपने बाद में किया, तो वो जब आपने बाद में एक्सपेंशन किया है तो वहां पे एक ऐसा क्रैक आ जाता है जो कि किसी भी चीज से ठीक नहीं होता है। उस चीज को ठीक करने के लिए हमने एक ये पीएसएस करके प्रोडक्ट डेवलप किया है, जो कि रबराइज होता है और सूर्य की किरणों से, वेदर से, बारिश से, किसी भी प्रकार के मौसम में इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बार इस ऐसे क्रैक्स के ऊपर अगर पीएसएस जैसा प्रोडक्ट को फिल कर दिया जाता है तो आगामी 20 वर्षों तक उस दरार में से पानी नहीं घुसता है। इतना महत्वपूर्ण ये उत्पाद है और इतना आवश्यक उत्पाद है कि ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, क्योंकि दो मकानों के बीच का ज्वाइंट हर जगह होता ही है। कॉमन वॉल आपका एक्सपेंशन भी कई जगह होते हैं, हम पुराने निर्माण और नए निर्माण को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो जुड़ते नहीं है, तो इस प्रोडक्ट के उपयोग से आप ऐसे लीकेजेस को बंद कर सकते हैं। साथ ही आजकल दिनों दिन गर्मी से रोकने के लिए भी लोग डिमांड करते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो हमें गर्मी से बचाए, तो उसके लिए भी इंजीनियर प्लस द्वारा एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, एचपीसी 99। ये भी काफी अद्भुत प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कि यह एक इस प्रकार की व्हाइट कलर की लेयर है जो कि लेमिनेटेड है और बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ यह टेरेस के ऊपर अप्लाई होता है। जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं, एक ये हमने सीमेंट शीट के ऊपर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन किया हुआ है और इस प्रकार से हमने एक डेमो दिया है कि कैसे छत के ऊपर निर्माण होने के बाद आपको छत इस प्रकार की दिखाई देगी। तो ये एचपीसी 99 प्रोडक्ट है जो कि 4 लेयर कोटिंग में अप्लाई होता है, और इससे अगर माइनर सिपेजेस हों या माइनर लीकेजेस हों तो वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो जो भी लोग गर्मी से परेशान हैं या अपने घर में गर्मी को रोकना चाहते हैं, तो मई जून के महीने में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो उस टेम्परेचर उन दिनों में जब ये छत पे केमिकल लगा रहता है तो आपके घर में एक तुलनात्मक रूप से 6 से 7 डिग्री का फर्क रहता है। अगर आप एसी वगैरह यूज कर रहे हैं तो कंप्रेसर के ऊपर लोड कम हो जाता है, और अगर आप एसी नहीं भी यूज कर रहे हैं तो साधारण पंखे में भी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। कूलर वगैरह आप लगाते हैं तो उसमें जो ह्यूमिडिटी होती है अधिक गर्मी होने की वजह से, उसका भी प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। तो आज के युग में इसका उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है, और सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की यह है कि अगर एक बार आपने इस प्रोडक्ट को लगा लिया तो कम से कम 10 सालों तक ये आपको सर्विस देता है। इतना इसका बॉन्डिंग इतना अच्छा है, और लेमिनेशन कोट होने के बाद इसकी वॉशेबिलिटी, इसका मेंटेनेंस, इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, और आप इसको नॉर्मल छत के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये एचपीसी प्रोडक्ट है जिसका भी आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार हमने डेमो किट बनाया है, और इसके अंदर हमने एक छोटी बुकलेट बनाई है ताकि जो कि हमारे एप्लीकेटर भाई हैं या जो भी कॉन्ट्रेक्टर्स हैं या बिल्डर्स हैं, बड़ी क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम कुछ उनको फिजिकल सैंपल प्रोवाइड कराएं कि हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, हम उनको एक बार देखना चाहते हैं या फिल करना चाहते हैं, तो एक किट हमने डेवलप की है, छोटी सी किट है जिसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं आसानी से,
जो मार्केटिंग टीम है वो भी अपने बैग में इस किट को रख के कहीं भी जा सकती है, और ये बुक भी इतनी छोटी है कि आराम से आप किसी के साथ लेके बैठेंगे या कोई भी इसको स्टडी करना चाहे तो पॉकेट साइज की बुक है, इसको आराम से आप पॉकेट में रख सकते हैं और जब भी आपकी सुविधा हो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने किट डेवलप किया है ताकि आप सभी लोग इंजीनियर प्लस के उत्पादों को समझ सके और अपने सभी निर्माण में उत्पादों को सही तरीके से उपयोग करके हमेशा हमेशा के लिए अपने लीकेज के परेशानियों से, गर्मी की परेशानी से निजात पा सके, यही उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है जो कि मैं मानता हूं कि आप हमें अवश्य करेंगे। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू।